बर्ड फ्लू पाया गया या नहीं है, पेपर में आउट कर दिया है, टीवी में आउट कर दिया है, लेकिन बर्ड फ्लू यहाँ है नहीं। ऐसे मतलब बिजनेस पर बहुत असर पड़ा। क्या हुआ था वो, मतलब कोई चीज में मुर्गी बड़ा फटाता है। अच्छा, वो मुर्गी में कोरोना है। घर से मेरा 11,000 मुर्गी बर्बाद हो गया, सब फेंका दिया, 18 लाख मेरा नुकसान। लोग तो यही बोला गया था कि मटर को ले जाइए घर में, ले जाके उसको काट कूट के छील जाल के गर्म पानी में दिखर के नमक डाल दीजिए, वायरस खत्म हो जाएगा, फिर खाइए। तो जब ना तो हमेशा यही होता है। आपको क्या लगता है भाव गिरा है कि नहीं गिरा? भाव तो गिरा है सर। कितना गिर गया? करीब 50 रुपए किलो गिर गया। अफवाह उड़ा दी सर, आदमी नहीं ले रहा, खेबा नहीं कर रहा था, ले बिकेगा कहाँ? सही बात है। जो थोड़ा सा दहशत जिसको बन गया है वो लोग नहीं खा रहे। अच्छा, प्रॉब्लम हो गया बहुत ज़्यादा ही, मतलब हम लोग का सेल बैठ गया और रेट भी गिर गया है। रेट कितना गिरा? सरकार इसको बिहार सरकार जांच करावे कि बर्ड फ्लू है या नहीं, तो जांच करावे, तो जांच तो हो नहीं रहा सर, अल्लाह काली हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में, मैं रतन सेन भारती। पिछले 3-4 दिनों से बर्ड फ्लू को लेकर जो खबरें पूरे देश में जारी है उसको लेकर बिहार में भी मुर्गा व्यापार और मीट के व्यापार पर असर पड़ा है। ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से बर्ड फ्लू को लेकर खबरें चली है उसमें मीट व्यवसाय को सबसे ज़्यादा समस्या हुई। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर मुर्गा के व्यापार पर वर्तमान में क्या समस्याएँ हैं और क्या दिक्कतें हैं। सर क्या समस्या आई है? समस्या है कि बर्ड फ्लू का निकाल दिया, बर्ड फ्लू पाया गया या नहीं है, पेपर में आउट कर दिया है, टीवी में आउट कर दिया है, लेकिन बर्ड फ्लू यहाँ है नहीं। ऐसे मतलब बिजनेस पर बहुत असर पड़ा है। बिहार सरकार ने अभी तक कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है? नहीं किया। हाँ, मगर उसके बाद भी समस्या आई है कि कस्टमर नहीं आ रहे, चाहे जो रेट भी हो कस्टमर नहीं खा रहे। तो पेपर और नेट के मीडियम से सुन लिया है लोग कि बर्ड फ्लू है, लेकिन यहाँ बर्ड फ्लू तो मुर्गा में पाया गया नहीं है। सरकार की तरफ से कोई सूचना भी नहीं आया है, इसलिए कस्टमर जो है कि नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है भाव गिरा है कि नहीं गिरा? भाव तो गिरा है सर। कितना गिर गया भाव? करीब 50 रुपए किलो गिर गया है। अभी वर्तमान में क्या है रेट है? अभी तो 90 रुपए या 100 रुपए छोटा है। अच्छा, हाँ, जो 150 बिकता था वो 100 हो गया, और जो 150 बिकता वो 90 हो गया। जी सर, हम लोग का बहुत घाटा है सर। हाँ बताइए। 6,000 चूजा डाले हैं। हाँ। 45 रुपए चूजा डाले हैं। हाँ। और 35-37 रुपए दाना पड़ता है सर। हाँ। हम लोग का लागते पड़ जाता है 110 रुपया लगभग। हाँ। और मुर्गी बिक रहा है 90 रुपया 80 रुपया, वो हमें कोई लेवाल नहीं है सर। बर्ड फ्लू के चलते सब समस्या है। हाँ, कोई लेवाल नहीं है, हम लोग मर रहे हैं, किसान आदमी तो हम लोग मर रहे हैं सर। सही बात है। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि झूठों के अफवाह है उसको फिर मीडिया के माध्यम से कि अफवाह के खत्म करे, ग्राहक अपना खाएगा। लोग तो यही बोला गया था कि मटर को ले जाइए घर में, ले जाके उसको काट कूट के छील जाल के गर्म पानी में दिखर के नमक डाल दीजिए, वायरस खत्म हो जाएगा, फिर खाइए। तो जब ना तो हमेशा यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, खाली अफवाह है। अफवाह अफवाह कुछ नहीं है। उसके बाद बोला कि अंडा में बीमारी चल गया, अंडा में भी करा गया पायरस से। 10 रुपया वही ना करा, अंडा 10 रुपया, 10 रुपया अंडा पे गिरा। हाँ, कच्चा अंडा 10 रुपया, 12 रुपया उबाल गया। कहता बीमारी है, अभी क्या खाए वाला खा ही रहा, खाने वाला खा ही रहा, कहाँ रोगाती है? कुछ नहीं है, रोज खा रहे हैं। खाली ऐसा है, हम लोग तो खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं। हाँ, तो आपका दुकान है अपना? मेरा नहीं, मेरा तो अभी का है, मेरा कपड़ा का दुकान है। अच्छा, चिकन निकल ले जाते हैं, अंडा अंडा हम लोग ले जाते हैं, खाते हैं। कितना फार्म है आपके यहाँ बच्चा है? 6,000 है अभी। अच्छा। फार्मे में मुर्गी है। कहाँ फार्म आपका? मर्चा मर्ची। अच्छा, तो यहाँ से आप सेल करने के लिए? हाँ, यहाँ अब लेवे नहीं करता है कोई, अभी यहाँ ये लोग नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। अब क्या करें, माल बताइए। सही बात, हम लोग तो इसी मर रहे हैं। बिजनेस पर बहुत बड़ा असर है सर, इसमें नुकसान हो रहा है, डीलर वाला भी, फार्मर भी, बेचने वाला भी, बहुत नुकसान भी जा रहा है, अभी बहुत नुकसान है। कस्टमर तो खाइए नहीं रहा, डर गए हैं सर कि वायरस है, खाएंगे तो मर जाएंगे, है नहीं। हम लोग तो रोज खाते हैं, हम बगल वाले गद्दा वाले हैं, हम रोज ले जा रहे हैं, सस्ता हुआ खा रहे हैं, सब्जी से सस्ता है खाएंगे। सही बात है, सब्जी से सस्ता है। बहुत मरण हो गया सर। कोरोना के दौरान क्या हुआ था? वो मतलब कोई चीज में मुर्गी बड़ा फटाता है। अच्छा, ये मुर्गी में कोरोना है, घर से मेरा 11,000 मुर्गी बर्बाद हो गया, सब फेंका दिया, 18 लाख मेरा नुकसान है। हाँ, सब नुकसान है, नुकसान है खाली। तो कोई पूछे आए कि है दुकान मुर्गी का, बताइए। अब आए हैं कि एक आध गाड़ी ले ले, एक आध गाड़ी ले ले, कहता है कि भैया भी करिए ना, बता लेके क्या करोगे। अब बताइए, मरेंगे तो हम लोग,
और इनका तो बिकेगा तो कमाएंगे, ना बिकेगा तो बचेंगे। लेकिन ऐसे बिहार सरकार अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि मतलब फ्लू है यहाँ पे, लेकिन अफवाह तो सर फैला हुआ है, अफवाह ना मार रहा है सर, झूठों के अफवाह कर दिया सर, हम लोग मर रहे हैं, बहुत समस्या, तगादा भी ना मिलता है, अब क्या तगादा मिलेगा उसको, बिकरिए ना है तो तगादा क्या देगा, तो मर रहे हैं हम भी ना। आप बताइए क्या समस्या लग रहा है आपको? नहीं तो मुर्गी में तो भाई बीमारी बोल अफवाह उड़ा दी सर, सब आदमी नहीं ले रहा, खेबा ना कर रहा तो बिकेगा कहाँ से, सही बात, खेबा ना करेगा कोई डर है। बात अब तो बिहार सरकार ये भी तो कह रही है अभी तक फ्लू नहीं है, मगर हाँ अलर्ट जरूर जारी कर दिया। हाँ अलर्ट मन हो गया तो हो गया, पब्लिक है अंधा, जो कह देता सुन जाता पब्लिक वही बात मान लेता है, यही बात है मुर्गे का। अगर है तो जांच कराए, अगर जांच कराए, अगर है तो नहीं खाएगा लोग। हाँ कल ही मुजफ्फरपुर के जी जी जांच कराया जाए, हाँ सरकार इसको बिहार सरकार जांच करावे कि बर्ड फ्लू है या नहीं, तो जांच करावे, तो जांच तो हो नहीं रहा सर, हल्ला कल ही हो रहा है, कल ही जांच हुई है जी जी वाले माल में मुजफ्फरपुर हुआ, हाँ तो उसमें बर्ड फ्लू के हाँ नहीं था, नहीं था उसको, नहीं आया, हाँ नहीं था उसमें, यहाँ भी नहीं होगा सर, जांच करावे, अच्छी बात है। आइए मंडी संचालक, अच्छा आइए इनसे मंडी संचालक से बात करते हैं, मुर्गा को लेकर क्या इनके लिए, ये बर्ड फ्लू की जो बात सामने आई है उसमें मुर्गा मुर्गी के जो रेट है ये बता रहे हैं कि गिर गया है, तो क्या है उसमें आपको लग रहा है? रेट तो गिरा है। क्या स्थिति, मतलब कैसे गिर गया, क्या हुआ ये बताइए? यही हवा हल्ला है, पेपरबाजी है, यही सब है और क्या। अच्छा इसी से रेट गिर गया है, क्या लगता है आपको मतलब ये बर्ड फ्लू है या नहीं है? बर्ड फ्लू का पुष्टि कहाँ हुआ? हाँ अभी तक पुष्टि तो नहीं हुई है, मगर माहौल बनने से घबराया है। हाँ माहौल जो हवा से हो गया, डर हो गया आदमी को, और कोई कह रहे हैं कि व्यापार पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। हाँ व्यापार में थोड़ा प्रभाव पड़ा, उतना प्रभाव अभी नहीं पड़ा जो पहले पड़ा था। ये अच्छा कब पड़ा था ज़्यादा कोरोना वाले में? हाँ 2004 में। अच्छा 2004 में क्या हुआ था उस समय? इसमें बहुत बना जो है घबरा गया था पूरा, कोई मुर्गी खाना ही नहीं चाहता था, अब की बार वैसा कोई बात नहीं है, मुर्गी तो बिक रहा है। तो उस समय मुर्गी पूरा का पूरा एकदम बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा बर्बाद हुआ था, हम ही लोगों कम से कम 4 गाड़ी मुर्गी बर्बाद हुआ, लेकिन अब की वैसा बात नहीं है, अभी अभी तक तो ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा ऐसे आदमी को आप सीखे, हम लोग सब कुछ रखे में हैं, जनरेटर या फिर स्प्रे पे मारते हैं किचन पे, कि मतलब जब लाते हैं तो साफ सुथरा भी रखते हैं, बट अभी थोड़ा सा दिक्कत हो गया कि सेल उल बहुत ज़्यादा लो हो गया, तो थोड़ा सा पैसा भी तो आना चाहिए। हाँ इसके लेके ही हम लोग को थोड़ा दिक्कत हो गया, और कोई बात नहीं है। और चिकन अभी कोई डर के नहीं खाना चाहिए आदमी को कि ये बीमारी चल रहा है, यहाँ बिहार में कोई ऐसा बात नहीं, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं, और 2-4 महीना बाद ही बीमारी ये फिर ख़त्म ही हो जाएगा, लोग जो हवा उड़ा हुआ है कि होली आ जाएगा फिर ख़त्म हो गया बीमारी, फिर सीजन आएगा तो फिर शुरू हो जाएगा, फिर कॉस्ट भी आम पब्लिक पे बैठ जाएगा, वही 200 रुपये जिंदा बिकेगा, मीट 300 रुपये किलो बेचेगा। कोरोना के दौरान कैसा रहा था? कोरोना के दौरान में बहुत ज़्यादा ही मतलब हम लोग को लॉस हो गया था, और उसके बाद भी अभी भी वही मतलब कोरोना के बाद फिर तो हम लोग सोचा कि अब थोड़ा सा आगे कमाएंगे, तो फिर आ गया लॉक, ये क्या बोलते बट यही सब प्रॉब्लम है, बहुत बिजनेस है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद इकबाल अंसारी। ये मोहम्मद इकबाल अंसारी है, और ये कह रहे हैं कि कोरोना के बाद और अभी जो फिर बर्ड फ्लू आया है जिससे इनके बिजनेस पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प है कि सरकार इसको लेकर क्या रुख अख्तियार करती है। हालांकि सरकार ने अब तक तो ये कहा है कि बिहार में सिर्फ बर्ड फ्लू नहीं है अभी, और ना ही इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। हाँ एक खबर मुजफ्फरपुर की चली थी, लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि बिहार में बर्ड फ्लू ना हो, और ताकि इनका बिजनेस जो है फिर से अच्छे से चलता रहे। बिहारी न्यूज़ देखते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।